पांच दिवसीय रंगोत्सव पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। होलिका दहन के लिए शहर के मूर्तिकार पारंपरिक और आधुनिकता का समावेश कर होलिका प्रतिमाओं को आकार दे रहे हैं। रंगों के महापर्व होली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शहर के खमापुर, शीतलामाई और अलग अलग क्षेत्रों में मूर्तिकार होलिका प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हुए हैं। दुकानों में छोटी से लेकर 3 और 5 फुट की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। होली के पूर्व इन प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मूर्तिकारों की माने तो इस बार त्योहार पर परीक्षाओं का असर है, साथ ही लगातार बढ़ रही महंगाई की मार से प्रतिमाएं भी अछूती नहीं है। बाजार में 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की प्रतिमा तैयार की जा रही है। मूर्तिकारों की माने तो अभी होलिका दहन को समय शेष है, उन्हें उम्मीद है कि पर्व आते आते प्रतिमाओं की मांग बढ़ेगी। पहले जो थी डिज़ाइनर मूर्तियां बनाई जाती थी, लेकिन अब की अपेक्षा बहुत कम बना मूर्तियां बनना हो गई है, क्योंकि अब आज के समय में अभी पेपर बच्चों के शुरू हो गए हैं, तो उसकी अपेक्षा देखते हुए कि होली त्यौहार बहुत कम हो रहा है। मटेरियल इस समय बहुत महंगा हो गया, जैसे हम मिट्टी लेते हैं, प्यारा लेते हैं, वो बहुत महंगी हो गई है। लोग कितने फुट तक की मूर्तियाँ बना रहे हो, क्या मतलब उसका? मूर्तियाँ अभी फिलहाल में देखा जाए तो 5 से 6 फीट की मूर्तियाँ बन रही है, और एक हमारे यहाँ मूर्तियाँ बनी हुई है जो जबलपुर की सबसे बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई है, वो बनी है हमारे पास 10 फीट की। मूर्तियाँ हमारे 500 रुपये से शुरू होकर ये मूर्तियाँ हमारी बनी है 5000 रुपये तक। मूर्तिकारों के द्वारा परंपरा अनुसार आकर्षक प्रतिमाओं का निर्माण किया जा रहा है।